गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, बात अपन कर रहे थे बेटा किसकी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग या रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की पूरी प्रक्रिया को दो चरणों में क्या किया गया बेटा, विभाजित किया गया है। एक चरण का नाम अपन ने दिया था इंस्पायरेशन और दूसरे चरण का नाम दिया था बेटा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का अर्थ अपन ने क्या कहा था, इंस्पायरेशन का अर्थ अपन ने बताया था बेटा O2 युक्त वायु का वायुमंडल से कहां तक बेटा, फेफड़ों तक जो विसरण होता है या स्थानांतरण होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन का अर्थ क्या है, फेफड़ों से CO2 युक्त वायु का कहां बेटा, वायुमंडल में क्या होना, विसरण होना या स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय शब्द बायोलॉजी में लग गया, इसका मतलब क्या बताया था अपन ने कि इसमें बेटा किसका उपयोग होता है, ATP के रूप में किसका उपयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है। अब इंस्पायरेशन के समय सबसे पहले बेटा क्या होगा, तो उससे पहले आपके पास शब्द आता है बेटा वक्षीय गुहा। वक्षीय गुहा का आधारी भाग किससे घिरा रहता है बेटा, तनुपट से। यह हो गया कौन सा भाग बेटा, आधारी भाग। ऊपरी भाग किससे घिरा रहता है बेटा, रोशनी से। पीछे का भाग किससे बेटा, बैकबोन से। और जो वक्षीय गुहा का पार्श्व भाग है दोनों तरफ से, ये घिरा रहता है बेटा किससे, पसलियों से या रिब्स। इस वक्षीय गुहा के अंदर दोनों क्या पाए थे बेटा, लंग्स पाए थे। और वायुमंडल से वायु का फेफड़ों तक स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन एक क्या है बेटा, सक्रिय प्रक्रिया है। अब ये क्या पाया थे बेटा, अपन जो अनुप्रस्थ काट काटते हैं उसमें ये आती है बेटा रिब्स।
क्या थी बेटा? रिब्स। ये आ गया बेटा डायफ्राम। आपको डायग्राम बुक वाला बनाना है। ये आ गई बेटा बैकबोन की वर्टिब्रा। अब इंस्पायरेशन का अर्थ अपन ने क्या कहा? इंस्पायरेशन का अर्थ कहा अपन ने बेटा O2 युक्त वायु का कहां से? वायुमंडल से। किस में प्रवेश करना? फेफड़ों में प्रवेश करना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन। कैसी विधि है बेटा? कैसी विधि है? सक्रिय विधि। इसका मतलब इसमें एटीपी के रूप में किसका यूज होगा? ऊर्जा का। अब सबसे पहले ये जो तनुपट है, इस तनुपट की पेशियों में क्या होगा बेटा? संकुचन होगा। पहले तनुपट ये था, अब ये तनुपट इसकी पेशियों में संकुचन होने के कारण चपटा होकर कहां जाता है बेटा? उदरीय गुहा की तरफ आ जाता है। किस तरफ आ जाता है? उदरीय गुहा की तरफ। ये अपन दर्शा रहे हैं बेटा किसको? रिब्स या पसलियों को। रिब्स या पसलियों को। अब तनुपट की पेशियों में संकुचन होने के कारण तनुपट चपटा होकर कहां गया? वक्षीय गुहा की तरफ, सॉरी उदरीय गुहा की तरफ। दूसरी तरफ जो रिब्स है, उन रिब्स के बीच क्या पाई थी बेटा? अंतरापरसुक पेशियां। पसलियों के बीच जो गैप होता है, उस गैप में जो पेशियां पाई जाती हैं, उन्हें अपन कहते हैं अंतरापरसु के पेशियां। अब ये अंतरापरसु पेशियां दो प्रकार की होती है। रिब्स के बाहर की तरफ होती है, उन्हें अपन कहते हैं बाह्य अंतरापरसु पेशियां, और अंदर की तरफ होती है, उन्हें कहते हैं बड़ा अपन कौन सी? आंतरिक अंतरापरसु के पेशियां। अब तनुपट की पेशियों में संकुचन के पश्चात जो बाह्य अंतरापरसु पेशियां हैं, इन पेशियों में भी संकुचन होता है। संकुचन होने के लिए एटीपी के रूप में क्या होती है बेटा? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब बाह्य अंतरापरसु पेशियों में संकुचन होने के कारण जो सामने वाली ये अस्थि है उरोस्थि, ये उरोस्थि ऊपर की तरफ खींची जाती है, तो उसके साथ रिब्स भी कहां जाती है बेटा? बाहर की तरफ और ऊपर उड़ जाती है। तनुपट नीचे जाने के कारण अंतरापरसु पेशियां बाहर की तरफ जाने के कारण जो ये खोखला भाग बन रहा है, जिसे अपन क्या कहते हैं? वक्षीय गुहा। इस वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाता है बेटा? आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाने के कारण जो फेफड़े हैं वो वक्षीय गुहा में क्या हो जाते हैं बेटा? फैल जाते हैं। फेफड़ों के फैलने से फेफड़ों के अंदर भरी हुई जो वायु है, उसका दाब किससे? वायुमंडलीय
दाब से क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। अब फेफड़ों में भरे हुए वायु का वायु दाब, वायुमंडल के वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब से कम होने के कारण जो वायु है वो उच्च वायु दाब मंडलीय दाब से या उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर श्वसन मार्ग अर्थात बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र से नासा गुहा, नासा गुहा से नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्र, आंतरिक नासा छिद्र से मुख गुहा, मुख गुहा से सॉरी गर्सनी, गर्सनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली से प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी से द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी से तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी से श्वसनिकाय, श्वसनिकाय से अंतस्थ श्वसनिकाय, अंतस्थ श्वसनिकाय से श्वसनी, श्वसनिकाय, श्वसनी श्वसनिकाय से वायुकुपिका वाहिनी, वायुकुपिका वाहिनी से किसमें बेटा एट्रियम, और एट्रियम से किसमें भर जाती है वायुकुपिका में। ये वायु कब तक भरती जाती है बेटा, जब तक फेफड़ों के अंदर का वायु दाब वायुमंडलीय दाब के क्या नहीं हो जाता है, बराबर नहीं हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। अब डायग्राम में क्या दिखाओगे बेटा, ये तो डॉट डॉट करके अपन किसको दर्शा रहे हैं, रिब्स और उरोस्थि कहां गए बाहर की तरफ, और ये डॉट डॉट करके अपन किसको दर्शा रहे हैं, तनुपट चपटा होकर किसकी तरफ आ गया बेटा, उदरीय गुहा की तरफ आ गया। ये प्रोसेस हो गया बेटा किसकी, इंस्पायरेशन की। कौन सी प्रक्रिया प्रोसेस हो गया बेटा, इंस्पायरेशन। दूसरा स्टेप है बेटा कौन सा, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का अर्थ क्या है बेटा, फेफड़ों से CO2 युक्त वायु का किससे बेटा, फेफड़ों से, फेफड़ों से CO2 युक्त वायु का वायुमंडल में क्या होना, विसरित होना क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन। अब सामान्य अवस्था में जब अपन कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उस अवस्था में एक्सपायरेशन एक कौन सी प्रक्रिया बेटा, निष्क्रिय प्रक्रिया है, जिसमें जो तनुपट की पेशियां है उनमें संकुचन के पश्चात क्या होता है बेटा, शिथिलन होता है। शिथिलन होने के कारण जो तनुपट किसकी तरफ आ गया था बेटा, किसकी तरफ आ गया था, उदरीय गुहा की तरफ आ गया था, वो वापस किसकी तरफ आ जाता है बेटा, वक्षीय गुहा की तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ अंतरापरसुक बाह्य अंतरापरसुक जो पेशियां है उनमें संकुचन के पश्चात क्या होता है बेटा, शिथिलन होता है, और शिथिलन के कारण बाद
जो उरोस्ती एंड रिब्स है वो अपने वजन के कारण, भार के कारण पुनः कहाँ जाती है बेटा, नीचे की तरफ आ जाती है। जैसे अपन सांस छोड़ते हैं तो ये पार्ट कहाँ जाता है बेटा, अंदर की तरफ जाता है। अब ये उरोस्ती वाला पार्ट और रिब्स कहाँ आ गई बेटा, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ आने के कारण वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा, बढ़ा क्या हुआ, घटा घटा। अब वक्षीय गुहा का आयतन घटने के कारण फेफड़ों पर क्या पड़ेगा, दाब पड़ेगा, तो फेफड़े क्या हो जाएंगे बेटा, सिकुड़ जाएंगे, और सिकुड़ने के कारण फेफड़ों के अंदर का जो आयतन है या वक्षीय गुहा का आयतन है वो कम हो गया। वक्षीय गुहा और फेफड़ों का आयतन कम होने के कारण फेफड़ों के अंदर की वायु का दाब, बाह्य वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाता है बेटा, अधिक हो जाता है, जिसके कारण CO2 युक्त वायु, जिसके कारण है CO2 युक्त वायु फेफड़ों से वायुमंडल में निम्न मार्ग का पालन करते हुए या निम्न मार्ग से होते हुए क्या आ जाती है बेटा, बाहर। जिसमें सबसे पहले कहां से निकलेगी, वायु कुपिका से, किसमें आएगी बेटा, एट्रियम में। एट्रियम से किसमें आएगी, वायु कुपिका, वाहिनी, वायु कुपिका वाहिनी से किसमें आएगी बेटा, समास श्वसनिकाय में। समास श्वसनिकाय से बेटा किसमें, किसमें आएगी, समास श्वसनिकाय से आएगी, अंतस्थ श्वसनिकाय, अंतस्थ श्वसनिकाय से श्वसनिकाय में, श्वसनिकाय से किसमें, तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी से, द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी से, प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी से, श्वास नली, श्वास नली से, कंठ में, कंठ से होते हुए नासा मार्ग से होते हुए कहां निकल जाती है बेटा, बाहर निकल जाती है। अब ये प्रक्रिया अपने पास हो गई बेटा, कौन सी, एक्सपायरेशन। कब, जब शरीर कौन सी अवस्था में हो, सामान्य अवस्था में हो। लेकिन जब मानव या तो क्या करता है बेटा, एक्सरसाइज करता है या कोई हार्ड वर्किंग करता है, हार्ड वर्किंग या एक्सरसाइज के समय जो एक्सपायरेशन है वो कौन सी अवस्था में चला जाता है बेटा, सक्रिय अवस्था में चला जाता है। कौन सी अवस्था में चला जाता है, सक्रिय अवस्था में। जब हार्ड वर्किंग करते हैं तो उस समय बाह्य अंतरापार्श्व पेशियों के स्थान पर बेटा जो अंदर की तरफ पेशियां पाती है, इन्हें अपन कहते हैं आंतरिक अंतरापार्श्व के पेशियां। इन आंतरिक अंतरापार्श्व पेशियों में क्या होता है बेटा, संकुचन होता है, और संकुचन के द्वारा तीव्र गति से किसको, रिब्स को किसकी तरफ खींचा जाता है, नीचे की तरफ खींचा जाता है, ताकि वायु जल्दी लंग्स से क्या हो सके, बाहर निकल सके। अब बाह्य सॉरी आंतरिक अंतरापार्श्व पेशियों में संकुचन के कारण बलपूर्वक किसको बेटा, रिब्स और उरोस्थी को, स्टर्नम को बलपूर्वक नीचे की तरफ खींचा जाता है, किसको कम करने के लिए, वक्षीय गुहा का आयतन कम करने के लिए, ताकि जल्दी वायु क्या हो सके बेटा, CO2 युक्त वायु बाहर निकल सके। दूसरी तरफ अपने उदर में पाए जाने वाली जो उदरीय पेशियां हैं, इनमें भी क्या होता है बेटा, संकुचन होता है। उदरीय पेशियों में संकुचन के कारण वक्षीय गुहा का, ये सॉरी उदरीय गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण तीव्र गति से तनुपट भी चपटा होकर किसकी तरफ चला जाता है, किसकी तरफ चला जाता है, वक्षीय गुहा की तरफ चला जाता है, ताकि बलपूर्वक या तीव्र गति से वायु को या CO2 युक्त वायु को शरीर से क्या कर सके बेटा, बाहर कर सके। ये केवल कब होता है, जब या तो अपन एक्सरसाइज करते हैं या हार्ड वर्किंग करते हैं, अन्यथा एक्सपायरेशन एक किस प्रकार की प्रक्रिया बेटा, निष्क्रिय
प्रक्रिया। एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन दर या ब्रीथिंग रेट 16 से 20 प्रति मिनट होती है, यानी कि एक मिनट में स्वस्थ व्यक्ति लगभग 16 से 20 बार श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करता है, अर्थात 20 बार वायु को अंदर बाहर करता है। ये अपने पास आगे बढ़ा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग। अगला है बेटा वॉल्यूम ऑफ लंग्स या फेफड़ों का आयतन। अब फेफड़ों में भरी जाने वाली वायु या बाहर निकाले जाने वाली वायु या फेफड़ों में श्वसन के दौरान भरी जाने वाली वायु या फेफड़ों से बाहर निकाले जाने वाली जो वायु है उसकी मात्रा के आधार पर फेफड़ों से संबंधित जो आयतन है उन्हें चार पार्ट्स में क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम। नंबर फर्स्ट कौन सा बेटा, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का अर्थ क्या है बेटा, एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य अवस्था में जो वर्तमान की सामान्य अपन काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सामान्य अवस्था है, कोई हार्ड वर्किंग है नहीं कर रहे हैं। स्वस्थ व्यक्ति सामान्य अवस्था में एक इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान जितनी वायु को बाहर निकालता है या अंदर ग्रहण करता है वायु की उस मात्रा को क्या कहते हैं बेटा, टाइडल वॉल्यूम। अब नॉर्मल प्रक्रिया अपन कोई भी काम कर रहे हैं उस समय अपने इंस्पायरेशन की प्रक्रिया भी चलती है और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया भी चलती है, जिसमें अपन कोई बलपूर्वक कार्य नहीं करते हैं, अर्थात किसी प्रकार के बल का उपयोग नहीं करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस जब चलती है, एक स्वस्थ व्यक्ति में नॉर्मल अवस्था के अंदर एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन के दौरान जितनी वायु फेफड़ों में ग्रहण की जाती है या जितनी वायु फेफड़ों से बाहर निकला जाती है उस वायु की मात्रा को क्या कहते हैं बेटा, टाइडल वॉल्यूम या जवारीय आयतन कहते हैं, जिसकी वैल्यू या मान कितना होता है बेटा, 500 ml। कितना होता है, 500 ml। तो एक सामान्य श्वसन में अपन नॉर्मल कंडीशन में इंस्पायरेशन के दौरान 500 ml वायु अंदर ग्रहण करते हैं और एक्सपायरेशन के दौरान 500 ml वायु ही अपन क्या करते हैं बेटा, बाहर निकालते हैं। सामान्य श्वसन में इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान जो वायु बाहर निकल जाती है या ग्रहण की जाती है वायु की उस मात्रा को क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 500 ml। दूसरा है इंस्पायरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी आरक्षित आयतन। सामान्य श्वसन में के अलावा, सामान्य श्वसन के अलावा बलपूर्वक इंस्पायरेशन के द्वारा जितनी वायु को ग्रहण किया जा सकता है, वायु की उस मात्रा को क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक तो अब श्वसन चल रहा है बेटा, एक बलपूर्वक, अब बलपूर्वक इंस्पायरेशन के द्वारा लंग्स में अपन कितनी वायु को भर सकते हैं? बलपूर्वक लंग्स के अंदर इंस्पायरेशन द्वारा जो वायु अपन ग्रहण कर सकते हैं, वायु की उस मात्रा को क्या कहते हैं बेटा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। लेकिन लंग्स कैपेसिटी गणना करते समय आपको क्या याद रखना है? ऊपरी वैल्यू याद रखनी है। तो इसे अपन कौन सी मानते हैं बेटा? 3000 ml। बलपूर्वक जो वायु इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स के अंदर ग्रहण की जा सकती है, उसे अपन कहते हैं बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3000 ml। तीसरा है बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बलपूर्वक एक्सपायरेशन के दौरान जितनी वायु अपन बाहर निकाल सकते हैं, वायु की उस मात्रा को क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये अपन बलपूर्वक फेफड़ों से वायु को क्या कर रहे हैं बेटा? बाहर निकाल रहे हैं। बलपूर्वक फेफड़ों से निकाली गई वायु की मात्रा को क्या कहते हैं बेटा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 1000 से लेकर 1100 ml। लेकिन लंग्स कैपेसिटी पढ़ते समय अपन ऊपरी वैल्यू को ही काम लेते हैं, इसलिए इसे माना जाता है बेटा कितनी? 1100 ml। जितनी वायु अपन फूक, गांव के अंदर फूकनी से आग नहीं जलाते हैं क्या? अपन फूकनी से फूक देते हैं, तो एक साथ जितनी अपन फूक दे सकते हैं और उस दौरान जितनी वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, वो क्या हो गया बेटा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू होती है बेटा कितनी? 1100 ml। चौथी है रेजिडुअल वॉल्यूम, आरक्षित आयतन। फेफड़ों से बलपूर्वक वायु बाहर निकालने के पश्चात भी सदैव कुछ वायु की मात्रा सदैव फेफड़ों में रहती है, जिसको अपन कभी भी क्या नहीं कर सकते बेटा? बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वायु की उस मात्रा को क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम या आरक्षित आयतन, जिसकी वैल्यू होती है बेटा कितनी? 1200 ml। ये सारा खेल किसका चल रहा है बेटा? एक स्वस्थ व्यक्ति का। रेजिडुअल वॉल्यूम का अर्थ हो गया बेटा कौन सा वॉल्यूम? फेफड़ों से बलपूर्वक वायु को बाहर निकालने के पश्चात भी वायु की कुछ मात्रा सदैव फेफड़ों में क्या रहती है? बनी हुई रहती है, जिसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते। फूंक मारने के पश्चात भी कुछ मात्रा वायु में सदैव, सॉरी, फेफड़ों में सदैव बनी रहती है, वायु की उस मात्रा को क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1200 ml। इसके आगे का पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।